तो संजय सर, हम बात करते हैं कि आपके वहाँ बर्ड्स का भी हम बर्ड्स भी देते हैं जो एक्सोटिक बर्ड हैं, जो भारत सरकार द्वारा हम उसे बेच सकते हैं लाइसेंस? लाइसेंस वगैरह के हिसाब से, वही बर्ड्स हम सेल आउट करते हैं। उसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक्सोटिक बर्ड, जो भी ब्रीड नॉन इंडियंस हैं उसको हम सेल आउट कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट लॉ। और सदी सर, एक और क्वेश्चन है आपसे कि जो ये अभी एग्जॉटिक बताया, लोकल में ये पैरट्स वगैरह हैं, ये बैन है कि कैसा कुछ? हाँ, या आप इसका साइंटिफिक नेम एलेक्जेंड्रा है, अलेक्जेंड्रा? जिसको पैरट्स बोलते हैं, जो पहाड़ी पोपट बोलते हैं, जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं वो, और लोकल जो अपने पोपट हैं वो बेचना इलीगल है। और मैं सबसे अपील करूंगा कि कोई भी उसे सेल आउट ना करे। ओके, आप रखना हो सकते हो तो ऐसे। ये ब्यूटीफुल, ये भी तो बर्ड्स है, ब्यूटीफुल ही एकदम, यस, ये लव बर्ड्स है, लव बर्ड्स, ये एक्सोटिक लव बर्ड्स है, इसको अफ्रीकन लव बर्ड्स बोलते हैं। अफ्रीकन लव हाँ, बर्ड्स। आप इनका सीड्स वगैरह देखिए, ये पूरा एक्सोटिक है। हम हमेशा अपने पास स्टॉक पे रखते हैं इनके 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 मल्टी विटामिन्स, इनके फाइबर परसेंटेज जो भी इन्हें चाहिए वो इस सीड में से उनको मिल जाता है। उसके और इसका प्राइस क्या रहने वाला है? ये इसका प्राइस 2500 है टू पेयर। थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये मेल फीमेल का पेयर है। ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये आपने प्लांटेशन जो एक्वेरियम में किया है, ये आपने खुद किया है कि मतलब यस, ये मेरे खुद के लिए, खुद के लिए? इसमें जो फिशेस हैं वो? वो एक्सो ये इसमें जो फिशेज हैं वो सारे एक्सोटिक। आप ये देखिए, ये फिश आपने जनरली कहीं पे भी नहीं देखी कि दिस चाइनीज एलिगेटर बोलते हैं इसको। चाइनीज हाँ, एलिगेटर। इसके अंदर आपको ग्लास फिश, शायद आप कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे, इसके नीचे ये ग्लास फिश है। इसके नीचे? हाँ, पत्ते के नीचे है, ग्लास फिश है, ये सारी एक्सोटिक फिश है। और ये प्लांटेशन आपने मैंने खुद ने विदाउट फर्टिलाइजर किया हुआ है, जो बहुत सॉइल, विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट सॉइल का ये प्लांटेशन किया हुआ है। तो अगर ये यस, कोई व्यूवर्स अगर अपने वहाँ ऐसा सेटअप करना चाहता हो तो? हाँ, मैंने किया है कल ही। मैंने आप मेरे आज के व्हाट्सएप स्टेटस पे देखेंगे, मैंने रखा हुआ है, कल ही हमने किया हुआ है। प्लस आपने मेरी वो ऑफिस वाली शॉप में भी देखा हुआ, मैंने आज ही उसको इम्प्लांट किया हुआ है। तो इसमें मतलब टाइमिंग का ऐसा कुछ होता है कि फीस भी इसके लिए अलग से होता यस है? हाँ, प्लांटेशन के लिए फीस आपको अलग रखना पड़ेगा। और इसका मेंटेनेंस क्या कुछ? प्लांटेशन टैंक इजी टू मेंटेन है, खाली उसमें हमको 15 दिन में 20% वाटर चेंज करना है। और अगर आपने विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट सॉइल किया है तो आपको लिक्विड फर्टिलाइजर उसके अंदर डाल के उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आप लिक्विड फर्टिलाइजर देख सकते हैं प्लांट हेल्थ के लिए, प्लस उसको गुड बैक्टीरियाज देने पड़ेंगे, गुड बैक्टीरियाज। तो हम अभी एक और नेक्स्ट वीडियो आपके वहाँ से एक और शूट करेंगे हम उसके, क्योंकि एक कैसा होता है कि कैसे अपने को पानी चेंज करना। यस, और संदीप सर, एक और बात है कि ये जो सप्लीमेंट्स मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये सब क्या है? जैसे आपने बता दिया कि फूड्स तो ये हैं, यस, मल्टी विटामिन जो आप इनमें से इनको मिल जाता हो, तो ये सब क्या है? जनरली कुछ सीड्स है ना वो हमारे पास अवेलेबल ही होते? इंडिया में पाए जाते हैं, और कुछ सीड्स, क्योंकि ये सब एक्सोटिक होते हैं, यस, ये इनका इंडियन ओरिजिन ना होने की वजह से कुछ सीड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये विटाबुल का प्रोडक्ट है, ये काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है, पर कॉस्टली होने के साथ साथ इसके अंदर जो सीड्स दिए हुए हैं वो लोकली इंडिया में पाए नहीं जाते, और ये बाहर इसको से इंपोर्ट किए, यस, बाहर से इम्पोर्ट किए हुए। और ये सब जो एक्सोटिक जैसे ये लव बर्ड्स हैं इनके लिए होता है? यस, क्योंकि जनरली इनके जो फूड्स है, इनके जो सीड्स है, इनका ओरिजिन अफ्रीका, यूएस, उस जगह के होते हैं, तो वहाँ पे जो सीड्स उनको मिलते हैं वो सीड हम इम्पोर्ट करवाते हैं और हमारे को लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हमको देते हैं। और जैसे आप ये दिखा रहे हैं हैंड फीडिंग फॉर्मूला, यस, व्हाट इज दिस? जैसे हैंड फीडिंग यानी कुछ बर्ड्स को हम हैंड टेम करते हैं, जैसे ये वाइल्ड है, इन्हें हम वाइल्ड कहेंगे। जो आप देखते होंगे, आपने भी यूट्यूब में और काफ़ी जगह देखा होगा कि कुछ लोग कंधे पे सर पे बर्ड्स को बिठा के वीडियोस बनाते हैं, वो हैंड फीडिंग बर्ड्स होते हैं। वो जब बर्ड्स छोटा होता है तभी उसको उसकी माँ से अलग करके बाय उसको हैंड फीडिंग फॉर्मूला, जैसे ये फूड है उसको खिला के उसको हैंड टेम किया होता है। तो वो क्या है, शुरुआत से ही ह्यूमंस के टच में होने की वजह से वो ह्यूमन से डरता नहीं, ये वाइल्ड है, ये हम जाएंगे तो ये डरेंगे,
पर वो वाइल्ड नहीं होगा, वो ह्यूमन टेम्ड है, ह्यूमन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो आपके साथ मिलने आएंगे आपको, मतलब उनको ऐसा खतरा था नहीं लगेगा। नहीं, वाइल्ड को आपको केज में रखना पड़ेगा, हैंड टेम्स आप खुले रख सकते हैं घर में। कुछ लोग तो कैसा करते हैं कि हैंड टेन करने के लिए वो जो उसके विंग्स होते हैं वो कट आउट कर देते हैं। नहीं, वो गलत करना नहीं चाहिए, वो गलत है। आपको अगर हैंड टेम करना है तो बाय बेबी उसको हैंड ट्रेनर्स आते हैं, वो हैंड टेम करते हैं। मतलब अभी हमको बहुत ये सब लाइन में बहुत ही सीखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ही कुछ ऐसा पता ही नहीं है। जैसे आपने बताया कि ये सब जो डॉग्स का होता है, अभी तक तो ऐसा हमको कुछ नॉलेज ही नहीं है। सर, आपको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस और 8,800 डॉग्स आपने सेल आउट कर दिया है। सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा तो आप वरीड हो जाएंगे। मैंने लास्ट 6 महीने पहले ही मेरा जॉब ये पेट शॉप खोलने के बाद छोड़ दिया है। मेरा सैलरी 85,000 रुपीस था। 85,000? यस, मैं टेक्निकल सपोर्ट मैनेजर हूँ और मैंने प्लास्टिक इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैं ऑल इंडिया रैंकर हूँ। तो आपने क्यों ऐसा? मेरे हॉबी को मैंने मेरा बिजनेस बना दिया है और अब इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल और एक और आपसे क्वेश्चन है कि बर्ड्स जो आप इम्पोर्ट करते हो, अगर किसी को आउट ऑफ गुजरात अदर स्टेट से मंगवाना हो तो वो कैसे मतलब पॉसिबल होगा उस चीज़ को? सर, जनरली कैसा है, आपको पर्सनल कैरी कर सकते हो या तो आप ट्रेन में मंगवा सकते हो। जैसे हम डॉग्स होते हैं, जैसे मेरे को अभी एक डॉग्स भेजना है उत्तराखंड, तो मैंने फर्स्ट क्लास एसी का उसका टिकट बुक किया है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करके जो टीटी है उनको हैंडओवर किया हुआ है। तो इस तरह हम बर्ड्स को भी ले जा सकते हैं। तो ये बर्ड्स का कुछ मेडिसिन वगैरह? बर्ड्स मेडिसिन से अभी हमारे पास मल्टी विटामिन है, जैसे आप ये देखते हैं ये मल्टी विटामिन है, जैसे विटामिन सी जल्दी बर्ड्स को नहीं मिल पाता, हम जनरली फूड के अंदर उसको ऐड नहीं कर सकते, तो ये हम मल्टी विटामिन दे रहे हैं उनको। आप देखेंगे ये बर्ड प्लस कंपनी का मल्टी विटामिन से, ये वीरबेक कंपनी का मल्टी वाइमरल करके मल्टी विटामिन से, ये दोनों बहुत ही अच्छे मल्टी विटामिन हैं बर्ड्स के लिए, जिससे बर्ड्स के अंदर बर्ड डिस्ट्रेस जल्दी होगा और हेल्दी फीलिंग्स उसको ज़्यादा रहेगी। प्लस ये कैल्शियम है जो उनको बाय नेचर मिलता है बर्ड्स को, जैसे आप देख रहे हैं ये बर्ड्स में मैंने व्हाइट कलर का लगाया हुआ है ना। यस, हाँ, वो कैल्शियम है, ये कैल्शियम देते हैं, वो उसे अपने जीभ से चाट चाट के उसे खाते हैं। तो एज ए अपने अभी संजय भाई से बहुत सारी बातें कर ली हैं और एज ए कस्टमर आया है, उनका रिव्यू लेते हैं कि कैसा क्या है। उन्होंने एक फूड परचेस किया है। सर जी, आपके पास कौन सा डॉग है? जर्मन शेपर्ड की मेल और फीमेल दोनों है जी। और आप जैसे संजय सर से आपने डॉग लिया था कि अदर कोई ब्रीडर से? दो लिया है संजय सर से ही लिया है। हाँ, मैंने इनसे लिया है, इनके पास मैं रेगुलर 4 साल से आ रहा हूँ। ओके, और मैं जब भी रात को 12 बजे भी कॉल करूँ चाहे रात को 2 बजे भी कॉल करूँ तो भी कॉल पिकअप करते हैं, जो भी मेरा प्रॉब्लम होता है शॉर्ट आउट कर देते हैं तुरंत। या तो फिर कोई मेडिसिन चाहिए तो मुझे शॉप पे बुला दे, आ जाओ। और मुझे पर 99% मुझे आज तक डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, डॉक्टर के पास, क्योंकि 18 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है और इनका बाय प्रोफेशनल है 8,000। इन्हें जैसे बताया वीडियो में हमारे कि डॉग सेल आउट कर दिए, तो इनसे अच्छा डॉक्टर क्या होगा? वही तो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली डॉक्टर है, वो बुक्स से पढ़ के डॉक्टर बने और ये बाय हैंड यहाँ पे पूरी मेडिसिन मिल जाती है ना, जो भी अपने को चाहिए, जो भी प्रॉब्लम होते हैं मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ और बता देते हैं यहाँ पे आ जाओ, ये प्रॉब्लम है तो ये देता हूँ आप ले जाओ, ये इतने टाइम देना है, पूरा समझा देते हैं। ओके, थैंक यू सर वेरी मच। अभी सर ये फूड लेने आए थे तो अब मैं थोड़ी इनसे बात कर ली। सर, आपका कुछ कार्ड वगैरह? मेरा कार्ड है ये। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपका दे दूंगा। और एक और बात आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरा वीडियो देख के आता है तो उसको आप एडिशनल डिस्काउंट दोगे? श्योर, 100%, जो भी है वो कर देना। हाँ, और ये इनका सन है, व्हाट इज योर नेम? राजपूत कुलदीप सिंह।
आपको भी पैशन है आपके पापा जैसा कि संजय सर, आपके वहाँ कोई डॉग वगैरह है क्या होम? मेरे घर पे मैं डॉग रख ही नहीं पाता आपको एक्चुअली बोलूँ, क्योंकि मेरे को मेरे घर पे पपी ही इतने होते हैं कि उसी से मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मैं जनरली डॉग्स को शॉप पे लाना प्रीफर नहीं करता, ये तो किसी कस्टमर का शेड्यूल होता है आके ले जाने का देखने के लिए या कुछ रहता है, तो मैं अपॉइंटमेंट ही अपॉइंटमेंट वाइज ही डॉग्स अपनी दुकान पर लाता हूँ। तो मतलब आपने जो होम अपने घर पे जो डॉग्स रखे हैं वो ऐसे केजेस में है कि एकदम फ्री? नहीं फ्री, मैं आपको पहले ही बोला मैं केजेस में रखना मानता नहीं हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अभी शॉप पे बहुत सारी पब्लिक्स आती है तो किसी के पैर के नीचे दौड़ते रहते हैं, या किसी के पास इन्फेक्टेड कहीं से भी डॉग को टच किया हुआ व्यक्ति अगर दुकान पे आता है तो उसको ये हम दुकान पे उनको केज में रखते हैं। ओके, तो संजय सर आपसे अभी हम विदा लेते हैं कि अभी अगर हम नेक्स्ट वीडियो हम प्लानिंग बहुत ही जल्दी करेंगे, क्योंकि संजय सर को अभी अभी बहुत सारे जो डील्स हैं वो जो डॉग्स के बारे में है वो करना है, तो एक बार एक हम वीडियो बनाना चाहते हैं आपके साथ कि जो अभी जो फ्रेशर हैं उनको टैंक्स में कैसे फिश को मतलब सेटअप तो बहुत लोग कर देते, पानी रखा, मछली रखी, ऑक्सीजन लगाया, यही सब जरूरी नहीं होता, उनको मेंटेन कैसे रखें वो एक वीडियो एक हम स्पेशल बनाने वाले हैं सर के साथ, वो वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे। तो सर का जो कार्ड है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपका नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों डाल दूंगा और लोकेशन एड्रेस वगैरह, और जैसा सर ने हमको आज हमारा सपोर्ट किया है, और ऐसा आशा करता हूँ सर से आप सभी से कि आइए आप एक बार विजिट करिए एक्चुअली शॉप पे, सर से कंसल्ट कीजिए कि कैसा है, अगर आपको कोई गलत पैड भी अगर आपको किसी ने दे दिया है तो अगर आप उसको एज ए फ्रेंड, जैसे अभी बहुत लोग कैसा होता है कि जर्मन शेफर्ड ले लिया, जैसे हमारी भी एक स्टोरी है जर्मन शेफर्ड ले लिया, लेकिन अब हमने उसे ले लिया वो फेक तो दे नहीं सकते, क्योंकि ऐसे हमने तो उसके क्वालिटी पे बोलते ना माँ बाप कैसा बच्चा हो जाता है गोरा है कि काला है ऐसा कुछ प्रेफर नहीं करता है, बहुत चीज़ें ऐसी कर रहे हैं लोग कि आजकल के मैंने आजकल आपको बता दिया कि कोरोना ने हमको ऑनलाइन बना दिया, अभी हम कोई भी डील करते हैं ना तो उसे ऑनलाइन ही देख लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बोलूँगा कि डॉग्स के धंधे में घर में बैठ के धंधे करने वाले बहुत हैं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनका बेसिक फंडा खाली प्रॉफिट कमाना है, उसकी वजह से मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन जाती है और इस बिजनेस की गलत इम्प्रेशन बन रही है कि भाई ले लो, फिर ऐसा नहीं है। मैं आपके भी यूज़र्स को बोलूँगा जो भी आपको लाइक करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से पेट ले या ना ले, पर आपके घर में अगर एक पेट है और उसको कोई दिक्कत आ रही है तो एनी टाइम मैं आपके पास आपको मैं बोलूँगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उन्हें दे दीजिए और मैं उनको प्रॉपरली गाइड करूँगा। तो क्या है एक जो समझ एक बच्चे को जो आप नहीं जानते कि मैं गलत कर रहा हूँ और गलती हो रही है उससे बचा सकता हूँ मैं। ओके, तो सर चलते हैं अभी हम, अब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे बहुत ही जल्दी सर के साथ, जब तक सर को सपोर्ट करिए, सर से कांटेक्ट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा सर का, कांटेक्ट करिए और विजिट करिए शॉप पे।